उत्तराखंड में फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। वीरवार को 620 नए मरीज आने से उत्तराखंड में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 84,689 पहुंच गया है। आज 676 मरीज ठीक होने के बाद कुल 76,223 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अभी तक कुल 6,062 एक्टिव केस हैं। आज 9 लोगों की कोविड-19 से मौत होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 1,384 पहुंच गया है। समूचे उत्तराखंड सहित पछुआ दून में भी वीरवार को सर्द हवाओं का चलना जारी रहा। सर्द हवाओं के चलने से सुबह से ही विकासनगर, हरपटपुर, डाकपत्थर, सहसपुर सहित आसपास के लोगों को सर्दी का एहसास कराए रखा। शाम होते ही विकासनगर के दुकानदार सर्दी से बचने के लिए अपनी दुकानों के आगे अलाव सेकते दिखाई दिए। वीरवार की सुबह विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोपाल स्वीट्स के सामने बाइक सवार दो युवकों को नान से पुरोला जा रहे ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें घायल हुए सुमेर चंद और अनिल कुमार को CHC विकासनगर में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान सुमेर चंद की मृत्यु हो गई जबकि घायल युवक अनिल को हायर सेंटर रेफर किया गया। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर धारा 238, 427 में मुकदमा दर्ज कर हिमाचल निवासी चालक अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा जिला किसान मोर्चा के द्वारा तहसील के माध्यम से किसान बिल के समर्थन में एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया। ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों किसान बिलों का समर्थन किया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में अरुण मित्तल, रचिता ठाकुर, अनुज गुलेरिया, गौरव चावला, सुनील पठानिया, रवि राणा, मोहित और रविंदर आदि लोग मौजूद थे। सेलाकुई थाना पुलिस द्वारा अलग अलग स्थानों से चेकिंग के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक शातिर अभियुक्त अर्जुन सिंह को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि सोहन कुमार को 252 ग्राम चरस व अब्बार हुसैन को 11.08 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया। तीनों ही आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। आप देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज़ चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।